के जहां पर रेरा के खिलाफ में किसानों ने महापंचायत का ऐलान कर दिया है। तहसील परिसर में हस्ताक्षर अभियान चलाते हुए किसानों ने इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि आगामी 8 सितंबर को पहले किसान अपने खेती में इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों को लेकर बुद्ध पार्क में एकत्रित होंगे और उसके बाद किसान शहर में मार्च पास्ट करते हुए SDM कोर्ट तक जाएंगे और अपना ज्ञापन संबंधित अधिकारियों को सौंपेंगे। उसके बाद भी यदि रेरा एक्ट को लेकर प्रशासन ने ठोस कदम नहीं उठाए तो उनका अगला कदम किसान महापंचायत होगा, जिसकी लिए उनकी तैयारियां पूरी है। वहीं किसान संगठनों के प्रमुख नेता तेजिंदर सिंह विर्क भी शिरकत करेंगे। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। युवा किसान संघर्ष समिति गैर राजनीतिक तरफ से गैर राजनीतिक संगठन की तरफ से लगातार हम ये आंदोलन चलाए हुए हैं, हम लगातार चला रहे हैं। जिस तरह रेरा कानून हम पे थोप दिया गया, आपने रेरा कानून की विसंगतियों को दूर किए बिना ऐसी कमरों में आपने ये गुलाबी किताब हम पे थोप दी। आपको भूतल पे जाके देखना चाहिए था। जिस तरह हमारे किसानों को 5380 स्क्वायर फीट और एक खाता नंबर में से जीवन भर एक ही बेच पाएगा, अगर दूसरे भाई को कोई बीमारी हो गई, बेटी की शादी हो गई। देखिए, ऐसा है कि जो ये कानून अब तो सबके सामने सर्वविदित हो गया है, अब किसानों को भी इस बात का पता चल रहा है, उनको भी इस बात की सत्यता का समझ में आ रहा है कि जो काले कानून है जिसमें उन्होंने बोला कि हम लोग निजी निवेशक लेकर करके आएंगे, हम लोग 2600 कम से कम हेक्टेयर जो भूमि है उसको अधिग्रहित करने की जो तैयारी चल रही है, उसके साथ साथ जो ये रजिस्ट्रियां रोकी है, खुद की जमीन पर आपका किसान अपना अधिकार खोने जा रहा है। ये सब बातें मिलकर कर करके यही हुआ, जो छोटे छोटे काम कर कर करके इसी हल्द्वानी के अंदर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, ये सब मिलकर कर करके हम एक संयुक्त रूप से इस आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। आज 21वां दिन है, हम समर्थन भी इकट्ठा कर रहे हैं हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से, और 8 तारीख को हल्द्वानी में हम एक शांतिपूर्वक एक पदयात्रा भी निकालेंगे और ज्ञापन भी देंगे। उसके बाद भी अगर सरकार इसमें